हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर आप एक SIP इन्वेस्टर हैं तो आप अपने फंड्स को कैसे रिव्यू कर सकते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल। उसके लिए आपको ना तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, ना कि आपको एक एक फंड की अपनी रैंक जानने की जरूरत है कि भाई मेरे फंड की रैंक कितनी चल। बिल्कुल एक सिंपल तरीका बताऊंगा, जो जिससे क्या आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई, ये मेरा जो फंड है ऐसा चल रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम क्या बात करने वाले हैं, केवल हम अपनी जो SIP है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मैं लमसम की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, केवल SIP को हम ट्रैक कर सकते हैं इससे। तो देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, उससे आपको अपना अंदाजा पता लग जाएगा कि भाई मोटा मोटा कि आपको आपका जो फंड है कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने माई कैम्प में। ठीक है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको क्या है, मैं खुद के पोर्टफोलियो से एक एक करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो के जो फंड है मेरे, उनका एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपने फंड को चेक कर लेना। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा कुछ 3,16,000 का पोर्टफोलियो, जो इसमें 50,000 लॉस चल रहा है और मेरा ओवरऑल लॉस चल रहा है माइनस के 16%, मतलब 17% के आसपास मेरा लॉस चल रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको अपने फंड्स का रिव्यू करना है तो मैं आपको कुछ दो तीन क्लॉज बता दूं, दो तीन चीजें बता दूं जो कि आपको करनी होंगी। देखो, आपका जो पोर्टफोलियो कम से कम 6 या 1 साल पुराना होना चाहिए, मतलब 6 महीने या 1 साल पुराना होना चाहिए। देखो, SIP में आपको पता होता है कि भाई रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। अगर किसी बंदे ने 3 साल पहले SIP किया और किसी ने 1 साल पहले SIP किया और सेम फंड में किया, तो दोनों के रिटर्न में ज़मीन आसमान का अंतर होगा, ये आपको पता है। ठीक है ना, जो और जो मेरा ये जो फंड है सॉरी, जो मेरा पोर्टफोलियो लगभग लगभग 1 साल पुराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका लेंगे। देखो, सब आपके बहुत सो के मिड कैप में इन्वेस्टिंग होगा, स्मॉल कैप में होगा, आपका मल्टी कैप में होगा, मतलब तरह तरह के फंड है, सबका इन्वेस्ट होगा या इंडेक्स फंड में होगा। ठीक है, तो हम सबके अलग अलग इंडेक्स नहीं लेंगे कि भाई स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप का इंडेक्स लेंगे या मिड कैप है तो मिड कैप का, नहीं, हम एक इंडेक्स लेंगे और उसी को आधार बिंदु रखते हुए सारा सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा मोटा मोटा हमको पता लग जाए कि भाई हमारा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। हमारा यही इस वीडियो का मकसद है। ठीक है, तो देखो, जो मेरा ये पोर्टफोलियो है इसमें क्या, मेरा मोस्ट ऑफ जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम निफ्टी 50 को आधार बिंदु बनाएंगे। ठीक है, निफ्टी 50 के हिसाब से हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि भाई निफ्टी 50 ने इतना रिटर्न दिया, क्या हमारा जो म्यूचुअल फंड है उतना रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा, ये हमको करना है। ठीक है, अगर निफ्टी 50 हमारा 25% गिरा है तो क्या हमारा जो फंड है वो भी 25% का रिटर्न दे रहा है, माइनस के 25% का दे रहा है या 30 का दे रहा है या 40 का दे रहा है। देखो, 2-3-4% अगर निफ्टी के आसपास चल रहा है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका फंड निफ्टी के हिसाब से ही वर्क कर रहा है। अगर आपको मान लो, अगर आपका फंड 25% निफ्टी 25% गिरा हुआ है और आपका फंड 50% गिरा, तब आपको सोचने की जरूरत है कि भाई ये 50% क्यों गिरा है। चाहे स्मॉल कैप हो, भाई मिड कैप हो, चाहे मल्टी कैप हो, भाई गिरेगा वो अपने हिसाब से ही, मिड कैप मतलब हमारा निफ्टी 50 के हिसाब से ही काम करेगा, निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये इतना क्यों गिरा हुआ है। ठीक है ना, मतलब या तो फिर हमारा जो इसका फंड मैनेजर है वो अच्छा नहीं है, अच्छा स्टॉक्स को उसने बाय नहीं किया हुआ है एंड ऑल दैट, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 कितना गिरा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आज जो हमारी डेट है वो है हमारी 12 मई 2020। ठीक है, तो इसी को आधार बिंदु बनाते हुए हम निफ्टी 50 को देखेंगे कि भाई निफ्टी 50 ने कैसा रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 ने लगभग लगभग 20 जनवरी 2020 को अपना हाई बनाया था 12,400 का, उसको हम लेंगे। देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12,400 का यहाँ पे उसने हाई बनाया था और उसके बाद यहाँ तक गिरा 7,500 तक। उसके बाद अभी जो 12 मई के हिसाब से जो चल रहा है वो चल रहा है 9,244। ठीक है, उसका कल का क्लोजिंग था। तो आप देख सकते हैं जो गिरा हुआ है, गिरावट उसने दर्ज कराई है वो कराई है माइनस के 25.86%, मतलब लगभग लगभग 26% की गिरावट हम मान के चलेंगे। तो अब हम कुछ नहीं करना, हमको अपना एक एक फंड लेना है और चेक करना है कि भाई निफ्टी 50 के हिसाब से फंड का रिटर्न है या नहीं है।
सिंपल, हमको इतना करना। अब हमारा निफ्टी 50 पर गिरा हुआ 26%, तो हम अपने एक एक फंड को लेके आपको दिखाएंगे कि हाँ भाई क्या इतना गिरा हुआ या नहीं गिरा। अगर कोई ज़्यादा गिरा हुआ तब हमको सोचने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम HDFC लेते हैं। HDFC का सबसे पहला लेते हैं, ये है हमारा स्मॉल कैप। तो आपको दिख रहा होगा इसने हमको दिया है लगभग 30% का रिटर्न, माइनस के 30% का रिटर्न, और निफ्टी 50 चल रहा है हमारा कितना 26। तो जो कि इतना, देखो स्मॉल कैप की हालत सबको पता है, बद से बदतर हो रखी है, फिर भी हमारे फंड ने हमको ज़्यादा मतलब निराश नहीं किया है निफ्टी 50 को देखते हुए। अगर हम निफ्टी 50 को कंपेरिजन, वो 26% का रिटर्न है उसका, और इसका हमारा माइनस के 30% के आसपास का रिटर्न है, तो हम निराश नहीं है दोस्तों। फिर हम देखते हैं हमारा मिड गैप, कि भाई हमारे मिड गैप, देखो मिड गैप हमारे उस रकम माइनस के 17.5% का रिटर्न, और हमारे निफ्टी 50 ने दिया है 26% का, जो कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग लगा के, सब कुछ लगा के, जो कि एक हमारा इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो मिड गैप का जो फंड है उसने निफ्टी 50 के रिटर्न से अच्छा रिटर्न उसका हमारा चल रहा है, सिंपल। उसके बाद हम देखते हैं ICICI प्रूडेंशियल का, ये हमारा खुद का निफ्टी इंडेक्स फंड है, निफ्टी इंडेक्स फंड, इसने हमको दिया है माइनस के 14% का रिटर्न। तो दोस्तों जहां निफ्टी हमारा 26% के आसपास गिरा हुआ, ये हमारा रिटर्न चल रहा है माइनस के 14%। तो आप देख सकते हैं कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर आप कम, जब मार्केट गिरा होता है और आपकी SIP डेबिट होती है तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिट मिल जाती है, उससे आपका जो हमारा परसेंट है वो वेरी हो जाता है। वहीं हमारा एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का, इसको हम अवॉइड करते हैं, ये हमारा गलती से बाई हो गया था, इसको हम छोड़ते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, ये है तो हमारा, हमने जल्दी बाई किया था, ये हमारा सेंसेक्स का है, इसको भी हम अवॉइड करते हैं अभी के लिए। फिर हम देखते हैं टाटा म्यूचुअल फंड, इसको हम देखते हैं कि भाई हमको इसने कितना रिटर्न दिया है। ये हमारा टाटा इक्विटी PE डायरेक्ट प्लान है, इसने हमको जो रिटर्न दिया वो दिया माइनस के 13.5% का, और जहाँ निफ्टी हमारा चल रहा है 26% के आसपास, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग लगे, सब कुछ लगे, जो कि हमारा इस टाइम अगर हम सब कुछ देखें तो ये हमारा फार फार बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है निफ्टी के हिसाब से, जो कि काफ़ी ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं SBI म्यूचुअल फंड, जो कि हमारा SBI ब्लू चिप है, बहुत फेमस फंड है, इसने भी हमको 14% का रिटर्न दिया माइनस के, जहाँ निफ्टी हमारा चल रहा है 26%। तो ये भी एक काफ़ी निफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमको अभी तक दे रहा है, ठीक है। यही होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट दोस्तों, जितना जल्दी आप SIP स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, मार्केट कहीं भी जाए आपको बेनिफिट होना है दोस्तों। देखो फिर आता है हमारा DSP का मिड गैप फंड, ठीक है। अब इसने हमको दिया रिटर्न माइनस के 7.5% का, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। निफ्टी जहाँ हमारा 26% का रिटर्न दे रहा माइनस के 26%, ये कुल हमारा माइनस के 7.5% गिरा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा सही है दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 को कंपैरिजन करें। उसके बाद हम आदित्य बिरला सन लाइफ फंड, इसका इसका फुल नेम है ABSL इक्विटी फंड। देखो इसने भी हमको माइनस के 20% का रिटर्न दिया है, और जहां हमारा निफ्टी हमारा माइनस के 26% गिरा हुआ 12 मई तक, जो कि काफ़ी ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं L&T म्यूचुअल फंड पे, ये हमारा है L&T एमर्जिंग बिजनेस फंड डायरेक्ट फंड। इसने हमको माइनस के 29% के आसपास का रिटर्न दिया है, जहां हमारा निफ्टी 26% के आसपास का रिटर्न दे रहा माइनस के, इसने हमको माइनस के 29% का रिटर्न दिया है। तो आप तो इस चीज़ का जो हमने पूरा एनालिसिस किया, तो हमको क्या पता लग रहा है दोस्तों कि हमारा कोई भी फंड माइनस के 30% से ज़्यादा नहीं गिरा हुआ। जो रिटर्न हमको मिल रहा है वो माइनस के 30% का मिल रहा है किसी भी फंड के, और जहां निफ्टी 26% गिरा हुआ है, तो हमको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। दो हमारे फंड बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे स्मॉल कैप और L&T बिजनेस एमर्जिंग फंड, ठीक है। बट वो इतना भी बुरा नहीं कर रहे, अगर हमारे ये फंड में कोई हमारा 40% गिरा हुआ था, 45% गिरा हुआ, तब हमको सोचने की जरूरत है कि भाई हमारा जो फंड मैनेजर है शायद अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। कहाँ जहाँ निफ्टी हमारा 25% गिरा हुआ और वहीं हमारे फंड 40-45% गिरा हुआ, तब हमको सोचने की जरूरत है कि या तो हमको स्विच कर लेना चाहिए या कुछ और एनी अदर ऑप्शन ढूंढना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया था, आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना। बाकी मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं आप, अगर आपको कैसा भी डाउट है रिगार्डिंग मार्केट और म्यूचुअल फंड से। तो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ, चलो बाय दोस्तों।